Assalamu alaikum and hey friends, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. So friends, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ, अच्छी हूँ. और बहुत सारे लोग ना रिक्वेस्ट कर रहे थे कि व्लॉग नहीं आ रहा, व्लॉग नहीं आ रहा. तो यार थोड़ा सफ़र करो क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही होती है, फिर एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब बहुत प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी के काम होते हैं, फिर घर के काम होते हैं. आप लोग को अब तो समझ ही आ गया होगा कि फॉरेन कंट्री की लाइफ इतनी आसान नहीं है मेरे व्लॉग वगैरह देख के. व्लॉग कुछ कुछ दिन बाद आता है, डेली नहीं आता. सो इन्जॉय. तो फ्रेंड्स, आप ना आज सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बैठी हूँ, मैं तो डिफरेंट स्टाइल में अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ. लेकिन आज जो है वो ना मुझे बहुत बड़ा एक पीआर पैकेज आया है जो कि मैंने रमज़ान में दिखाया था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था कि वो मतलब ट्राई ऑन करके आप लोगों को दिखाऊँ. तो वो मैं आज दिखाने वाली हूँ आप लोगों को. कोरियन ड्रेसेस मुझे आए हैं और 5 डिफरेंट ड्रेसेस मज़े मज़े के. लेकिन मतलब मुझे पता नहीं कि वो मेरे ऊपर कैसे सूट करेंगे, क्योंकि कोरियन स्टाइल जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट स्टाइल की थोड़ी ड्रेसिंग करते हैं. तो मुझे ना मतलब आज ट्राई करना है कि क्या वो मेरे पे सूट करता है, पाकिस्तानी लड़कियों पे वो ड्रेस सूट करते हैं कि नहीं करते हैं, या थोड़ा अजीब तो नहीं लगते हैं या अच्छे लगते हैं, कच्चा नहीं पता नहीं है क्या कैसा लगेगा. एनीवेज़, तो 5 डिफरेंट ड्रेस हैं मेरे पास, ठीक है. और फिर मेरे पास 5 डिफरेंट बैग्स हैं. बैग्स जो है वो मेरे खुद के हैं और ड्रेसेस जो हैं वो पीआर पैकेज है. तो मैंने सोचा क्यों ना उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ट्राई ऑन करके देखूँ. तो आज की वीडियो ऐसे होने वाली है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पीआर पैकेज है. तो आप लोग अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग ख़रीद भी सकते हो मेरा कोड यूज़ करके 15% ऑफ. मज़े की बात है ना. तो चलो ज़्यादा बात नहीं करती मैं, ठीक है. सबसे पहले मैंने ऑलरेडी आप लोगों को रमज़ान में दिखाया था, लेकिन मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ. तो सबसे पहले जो मेरे पास ड्रेस आई है वो ये है, रेड एंड ब्लैक कलर की. और आज जो है वो मैं कैनन कैमरा जो है उस पर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ. तो आप देख रहे होंगे आज की वीडियो की रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही साफ होगी, क्योंकि अच्छी वाली कैमरा मैं यूज़ कर रही हूँ. यस, कभी कभी मोबाइल्स पे ही कर लेती हूँ व्लॉगिंग, लेकिन आज मैंने स्पेशली इस स्टाइल की वजह से मैंने कैनन कैमरा पर रिकॉर्डिंग की है. तो फर्स्ट जो ड्रेस है ये क्या है यार, ये है. तो आप देख सकते हो कि ना यहाँ पे ये बहुत ही लॉन्ग सी ड्रेस है, और मुझे लॉन्ग ड्रेसेस वैसे पसंद है. तो ये लॉन्ग सी ड्रेस है और नीचे स्कर्ट जो है वो चिपका हुआ है इस ड्रेस में, और ऊपर से अलग से ये शर्ट है. तो मुझे लग रहा है कि ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगेगी मेरे ऊपर, लेकिन आई डोंट नो, लेट्स सी. बाद में इसको देखते हैं, ठीक है. मैं आपको एक एक करके पहले सारी ड्रेसेस दिखा देती हूँ, और फिर हम लोग ना एक एक करके पहन के आएंगे और फिर रिव्यू देंगे कि ये कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है. तो सेकंड ड्रेस जो है वो है ये वाली, और ये ड्रेस भी बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है, खूबसूरत सी. ये ना पूरा ऐसे नेट का काम किया हुआ है इसमें, और शाइनिंग भी आ रही है. क्यूट सी ड्रेस है, बहुत ही हल्की है. और ये जो ड्रेस है ना, फर्स्ट वाली और ये वाली, ये दोनों मुझे लग रहा है इस सीज़न पे परफेक्ट है समर के लिए. तो दिस इज़ सेकेंड ड्रेस. सो थर्ड जो ड्रेस है वो है ये वाइट शर्ट. तो इस शर्ट पे ऐसा काम किया हुआ है, और ये भी बहुत ही खूबसूरत है. ये ब्लैक जीन्स के साथ या फिर जो फॉर्मल पैंट होती है उसके साथ ये वाली ड्रेसेस बहुत ही अच्छी लगेंगी. और इस पे ना पूरा ऐसे नेट का काम किया हुआ है, मतलब नेट लगा हुआ है ऐसे आगे से नेट इधर शोल्डर्स में, और पीछे से पूरी प्लेन, और ऐसे वाइट शर्ट है. तो ये है थर्ड ड्रेस, एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि ये ड्रेस कैसा लगेगा हम पे. और फोर्थ ड्रेस जो है वो है जस्ट ये ब्लाउज़. कहाँ गया? तो इसका ये सीन है कि कुछ लोग तो इसको एज इट इज़ ही पहनते हैं, जो लोग पहन पाते हैं, लेकिन मैं इस पे अंदर ब्लैक या वाइट शर्ट का ट्राई करूँगी इसके साथ. तो देखते हैं इसको हम कैसे हैंडल करते हैं, वीडियो देखते रहें. और ये लास्ट ड्रेस, ये यस लास्ट ड्रेस जो है वो ना, ये भी लॉन्ग ड्रेस है, ठीक है. लास्ट वाली ये शर्ट है, और इसके साथ ही मतलब चिपका हुआ है ये ट्राउज़र नहीं, क्या कहते, स्कर्ट. और ये भी पूरी लॉन्ग ड्रेस है. और लास्ट में एक चीज़ है जो कि फ्लोर पे गिर गई, और वो ये है, हेयर बैंड एक दिया हुआ है. तो इसको भी चलो हम देख लेते हैं. लास्ट में ये क्यूट सा हेयर बैंड. तो ये जो सारे कपड़े हैं
ये मैं एक एक करके ट्राई करती हूँ और फिर हम लोग देखते हैं कि मतलब ये कैसे लग रहे हैं। और उसके अलावा थैंक यू सो मच येस स्टाइल ये पीआर पैकेज भेजने के लिए। तो क्योंकि मैं कोरिया में रह रही हूँ तो डेफिनेटली मैंने कोरियन स्टाइल ड्रेसेस बहुत सारे ट्राई किए हैं पहले भी, और अभी ये फिर जैसे मैं ख़रीदती हूँ मेरी मर्ज़ी से होता है वो, लेकिन ये पीआर पैकेज है तो उनकी मर्ज़ी से है, तो इसी वजह से ये ड्रेसेस जो है वो मेरे लिए नया है स्टाइल ट्राई करने का, क्योंकि मैं हमेशा अपनी पसंद की ड्रेसेस पहनती हूँ, लेकिन आज मैं किसी और की पसंद की ड्रेसेस पहनूंगी। तो चले स्टार्ट करते हैं और लेट्स गो। तो ये है मेरी फर्स्ट ड्रेस जो कि ना मैं चाह रही हूँ पूरी देखें आप, इसलिए मैं ना दूर से दिखा रही हूँ फर्स्ट, फिर मैं करीब आके दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉप है जो कि ना बहुत ही टाइट टॉप है, और उसके अलावा ये जो स्कर्ट है वो ना हम किसी के साथ भी पहन सकते हैं, पजामा के साथ या फिर वाइट ब्लैक जो भी स्किन कलर का पजामा अगर कोई पहनना चाहे। और ये ना मैंने पहना है जीन्स के साथ, और उसके साथ मैंने सिर्फ ऐसे ही खुसा पहना है क्योंकि मेरा ये खुसा साफ है, रूम में लेके आ सकती हूँ, बाकी सारे जूते खराब है। तो बस ऐसे है ये ड्रेस, ठीक है। और पीछे छोटा सा बो भी है, और अभी ना मैं करीब आके दिखाती हूँ कैसी है। तो अभी हम लोग कैमरा के पास आएंगे, और ये है वो ड्रेस, आप लोग डिटेलिंग देखें इसकी, मतलब बहुत ही वो है क्या कहते हैं एक रबर स्टाइल जो कपड़ा होता है वैसा है, ठीक है। फिर से मुझे थोड़ा दूर जा। तो ये है वो ड्रेस और मुझे बहुत ही पसंद आई ये ड्रेस, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ पहन के जाएंगे क्योंकि आजकल हालात ठीक नहीं है, लेकिन आई लव दिस ड्रेस, ये बहुत ही क्यूट सी ड्रेस है। और ऐसे स्टाइल ऐसी ड्रेसिंग मैंने पहले नहीं की विथ स्कर्ट है, और ये टाइट शर्ट और स्कर्ट एक साथ, सो दिस इज सो प्रिटी। अभी बारी है सेकेंड ड्रेस की। तो इस ड्रेस के साथ जो बैग जाएगा वो है ये बैग, इतना सा बड़ा सा बैग है, और ये जो है वो मतलब जैसे फिटिंग की कोई ड्रेस होती है उसके साथ बड़ी साइज का बैग शायद बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मेरा ये बैग अगर बाहर कभी गई या फिर अगर आप लोगों को आइडियाज़ चाहिए तो ये बैग जो है वो ऐसे दिखता है बड़ी ड्रेस के साथ, और मुझे लग रहा है ऐसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यस, सो ये है मेरी सेकेंड ड्रेस और मुझे बहुत ही पसंद आई, बहुत ही क्यूट है, और क्या कहते हैं कलर इसका बहुत प्यारा है, नेट है इसमें, और अभी मैं आती हूँ करीब से तो आप लोग देखें इसमें डिटेलिंग है, और आई थिंक ये बहुत ही क्यूट लग रही है, अच्छी सी ड्रेस, सो आई लव दिस ड्रेस। यार मैं कहाँ पहनूंगी इतने प्यारे प्यारे कपड़े, लेकिन ये है बस सेकंड ड्रेस। और ये जो ड्रेस है वो किस बैग के साथ आएगी, ये ड्रेस जो है वो शायद ग्रे कलर के बैग, क्योंकि ये कलर जो है वो ऑलरेडी ब्राइट है बहुत, तो इसमें ब्लैक एंड वाइट या फिर ब्लैक या ब्लैक ग्रेश कोई बैग्स हो तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो इसलिए ना मैं इसमें जो है वो ग्रे कलर का, यहाँ मैं मेरे बेड पे ना सारे जो सामान है वो लेके आई हूँ बहुत सारे, तो ये जो बैग है वो भी इस ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा। ऐसे भी पहन सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी पहन सकते हैं इस बैग को, या फिर ना मैं इसको ऐसे भी इसमें दो स्टाइल हैं, या फिर इस बैग को ऐसे भी ले सकते हैं, छोटा हो गया, ठीक है। और अभी ये जो है रेडी टू गो, बाय बाय, मैं बाहर जा रही हूँ घूमने। तो चले ये है सेकंड ड्रेस, और यस आई लव दिस। अभी थर्ड ड्रेस की बारी है, लेट्स गो। तो ये है मेरी थर्ड ड्रेस, और यार इन लोगों की एक बात माननी पड़ेगी, ड्रेसेस जो है वो बहुत ही क्यूट सी ड्रेसेस है, मतलब आप लोग देख रहे हो ना कि मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है अलग से स्कर्ट या अलग से शर्ट, पूरा कनेक्टेड है पूरा, कुछ लोग मतलब अलग अलग से लेते हैं। और ये देखो लॉन्ग है ये ना, ये घुटनों से भी नीचे आ रही है ये स्कर्ट, ठीक है। और उसके अलावा ये शर्ट जो है वो पूरी प्लेन ड्रेस है, लेकिन इसकी बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइनिंग की हुई है यहाँ पे, तो इसलिए बहुत प्यारी ड्रेस लग रही है। एंड ऑफ कोर्स अगेन आई लव दिस ड्रेस, दिस इज़ सो प्रिटी। और कोरियन ड्रेसेस ऐसे ही होते हैं जैसे हम लोग ड्रामास वगैरह में देखते हैं, वो लोग बहुत प्यारे लगते हैं, क्यूट से लगते हैं, डॉल्स लगते हैं, और मुझे लगता है शायद ये ड्रेस मेरे पे सूट कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, पाकिस्तानी लड़कियों पे भी डेफिनेटली अच्छे लगेंगे ये ड्रेस। तो आगे से ये ड्रेस ऐसा है, ठीक है, जॉर्जेट स्टाइल इसका कपड़ा है, और मैंने ये मेरा नेकलेस ऑलरेडी पहना हुआ है, लेकिन मतलब ऐसी ड्रेसेस हम कोई सिंपल सी ज्वेलरी के साथ पहन सकते हैं तो बहुत ही प्यारा लगेगा। और अभी इसको हम किस बैग के साथ उठाएंगे, क्योंकि ये ड्रेस ऑलरेडी रेड और ब्लैक है, तो रेड पर्स भी उठा सकते हैं, नहीं तो चलो मैं रेड ही उठा लेती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास है रेड कलर का, और ये जस्ट ऐसे ही है,
तो अगर हम लोग कभी पार्टी में जाएंगे तो बस इसको ऐसे उठा के जाएंगे, ऐसे बैग पहनने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज रेडी टू गो, ये बैग और ये ड्रेस. या फिर इसको ऐसे उठा सकते हैं. और ये हो गई हमारी थर्ड ड्रेस रेडी, ठीक है, डन. रिव्यू इसका हो गया, बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है, मज़े की. इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कभी बाहर जाऊंगी तो इंस्टाग्राम में इसके अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ निकाल के अपलोड करेंगे. और अभी हम आते हैं हमारी फोर्थ ड्रेस पे, सो लेट्स गो. तो ये है अभी फोर्थ नंबर ड्रेस, जो कि ये जस्ट टॉप जो है वो था येस स्टाइल वालों की तरफ से पीआर पैकेज, और अंदर से जो वाइट शर्ट है वो मैंने पहनी है. यहाँ पे कोरिया भी बहुत शॉर्ट स्लीव्स भी बहुत पहनते हैं, या फिर स्लीवलेस कम पहनते हैं, लेकिन मैंने चूज़ किया है इसे फुल जो वाइट शर्ट है वो पहनना. और ये ऐसे दिखती है, ये मतलब ब्लू जीन्स के साथ भी चल जाएगी, उसके अलावा ब्लैक जीन्स के साथ भी चल जाएगी. तो अगर हम करीब आएँ तो ये ऐसी है क्वालिटी इसकी. और ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है उसका है, क्या कहते हैं, समर की ड्रेस नहीं है ये, ना स्प्रिंग या ऑटम की ड्रेस है. थोड़ा सा मोटा है, गर्म है, लेकिन फ़िलहाल जैसे स्टाइलिंग के लिए आप लोग देख लीजिए, ये है एक पीस. और मैं ना इन सारी ड्रेसेस की जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक करें. और एक और बात मैं आप लोग को बता दूँ कि ये जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ था XXL, ये सारी साइजेस जो है वो XXL है. हालांकि आप लोग देख सकते हैं मेरी साइज़ XXL वाली नहीं है, लेकिन मैं मीडियम या लार्ज साइज़ में चल जाता है मेरा. तो ये ना ड्रेसेस अगर आप लोग खरीदें तो बहुत ही बड़ी साइज़ खरीदेंगे तो आपको फिट आएगी, अगर स्मॉल या मीडियम साइज़ खरीदेंगे तो बहुत ही टाइट हो जाएगी. ये कोरियन लड़कियों के लिए, जो कोरियन लड़कियाँ बहुत पतली होती है उनके हिसाब से ये बनाए हुए हैं, तो इसलिए ना ये इन ड्रेस पे प्रॉब्लम है. और एनीवेज हम लोग ना अभी ये फ्री साइज लग रहा है टॉप मुझे, बहुत ही वो स्ट्रेचेबल है. तो इस ड्रेस के साथ जो है वो मैं बैग उठाऊंगी, और एक ग्रीन कलर का मेरे पास बैग है और एक ब्लू कलर का है, तो मैं इसके साथ उठाने वाली हूँ ग्रीन कलर का बैग. तो ये वाला ग्रीन कलर का बैग है, जो कि मतलब हम लोग अगर यूनिवर्सिटी वगैरह जाएं तो सामान इसमें रख के, थोड़े बहुत ही सामान होता है, पानी की बॉटल हो गई, मनी बैग हो गया, तो ऐसे स्टाइल में ये बैग चल जाते हैं यहाँ पे. या फिर इसको हम लोग ना ऐसे भी पहन सकते हैं, ऐसे भी पहन सकते हैं. और क्या कहते हैं, चलो इसको ना ये बैग हो गया. तो ये है कोरियन स्टाइल. मेरा बैग दिखाने का सिर्फ मकसद यही है कि यहाँ पे कोरिया में कैसे कैसे सामान उठाते हैं, जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट स्टाइल के बैग, बड़े बैग या छोटे बैग उठाते हैं, तो कोरिया में ऐसे जो बैग्स हैं वो बहुत उठाते हैं. और ये है हमारा ड्रेस, ठीक है. और अभी हमारी जो है वो लास्ट शर्ट है, वो वाइट शर्ट है, तो इसलिए अभी वो लास्ट में सबसे पहनूंगी वाइट वाली. सो अभी फिफ्थ शर्ट, लेट्स गो. और ये है लास्ट फिफ्थ ड्रेस. मैं पहन पहन की ड्रेस टायर्ड हो गई यार. सो ये जो ड्रेस है वो ऐसे है, और मैंने इसको जस्ट शर्ट को आगे से थोड़ा अंदर डाल दिया है, और पीछे से ये ऐसे लूज है. आप लोग चाहें तो पूरी शर्ट भी अंदर डाल सकते हैं, ठीक है. और यहाँ पे इसमें ना ऐसे काम किया हुआ है, ये पूरा नेट का काम है, ठीक है. और ऊपर से इस ये नेकलेस बहुत ही प्यारा लग रहा है इस शर्ट के साथ. और मेरे बाल भी अभी भूत से हो गए हैं क्योंकि मैं बार बार ड्रेस चेंज कर रही हूँ. तो ये ड्रेस जस्ट ऐसी है, ठीक है, वाइट शर्ट, सिंपल वाइट शर्ट. यहाँ पे क्यूट सा ये बो बना हुआ है, क्यूट सा. और अभी हम इसको किस बैग के साथ लेंगे, वाइट शर्ट है तो इसको इसलिए मैं ना ले रही हूँ उसके साथ, ब्लू बैग के साथ, ठीक है. तो ये है वो ब्लू बैग, ये मुझे गिफ्ट मिला था, तो ये ब्लू बैग. और अभी इसको भी सिंपली मैं ना क्या करूँगी कि ऐसे भी ले सकती हूँ, सिंपली ऐसे भी अच्छा लग रहा है. या फिर मैं क्या करूँगी कि इसको ना ये निकाल दूँगी, ये इसका जो है, और फिर इसको, ठीक है, ये इसको साइड पे रख देते हैं हम. और इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं जस्ट. तो ये ड्रेस है फिफ्थ नंबर, और देखो आप अच्छी लग रही है, वाइट शर्ट, सिंपल वाइट शर्ट. और अभी रेडी, कभी हम बाहर जाएंगे फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग करने, या फिर इस क्लास भी, जैसे हमारी डेली क्लास भी होती है तो ऐसे से कपड़े चल जाएंगे. कुछ शर्ट्स हैं वो जो डेली रूटीन पे नहीं चल सकती, लेकिन ऐसे सिंपल डिसेंट शर्ट जो है वो चल जाएगी. सो ये है
फिफ्थ नंबर ड्रेस. ओके मैं थोड़ी और बात करूंगी, सो वेट. तो ये थे मेरे 5 ड्रेसेस और मैं आपको अगर इसका रिव्यू दूं ओवरऑल, तो कुछ ड्रेसेस जो थे वो मैं कंफर्टेबल नहीं थी कुछ ड्रेसेस के साथ, और कुछ ड्रेसेस जो थे वो बहुत प्यारे थे. ये वाली ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी, सबसे अच्छी. तो आप लोग मुझे ना कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी ड्रेस जो है इनमें से अच्छी लगी और मैं पहनूँ, क्योंकि अगर मैं कोई ड्रेस नहीं पहनूंगी तो डेफिनेटली मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी, किसी फ्रेंड वगैरह को, क्योंकि अगर मैं नहीं पहनूंगी तो फालतू में ज़ाया हो जाएगी ड्रेस, तो ये अच्छी बात नहीं है. और उसके अलावा बस मुझे लगता है आज मुझे वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी चाहिए, इतनी सिंपल शॉर्ट वीडियो रखूं ताकि आप लोगों को कोरियन फैशन दिखे और कोरियन जैसे कैसे स्टाइलिंग करते वो चीज़ें दिखे. तो इसलिए मैंने आज की वीडियो शॉर्ट रखी है. आज की मैंने व्लॉगिंग स्टाइल नहीं रखी, क्योंकि अगर कोई PR पैकेज भेजता है तो हम लोग उनको थैंक यू करने के लिए पूरी वीडियो जो है उनके लिए मैं बनाती हूँ. तो इसलिए ये सारी वीडियो जो है वो मैंने ये स्टाइल के लिए बनाई है ताकि वो लोग खुश हो जाएं और मैं भी खुश हो जाऊँ, आप लोग भी खुश हो जाएं. तो इसलिए, और जो नेक्स्ट मेरी नेक्स्ट वीडियो पता नहीं कौन सी आने वाली है, लेकिन नेक्स्ट या नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं ये लिपस्टिक्स हैं, ये 5 लिपस्टिक्स डिफरेंट कलर के, ये कैरनेल ब्रांड जो है उन लोगों ने मुझे भेजी थी, तो इनका भी रिव्यू इंशाल्लाह मैं दूंगी अच्छे से प्रॉपर तरीके से, ताकि अच्छे से दिखे आप लोगों को कोरियन चीज़ें, ठीक है. और उसके अलावा बस यही थी मेरी आज की वीडियो. वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. एंड थैंक यू सो मच येस स्टाइल फॉर सेंडिंग मी दीज अमेजिंग ड्रेसेस. और क्या कहते हैं, कोरियन फैशन जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्यूट सा है, ठीक है. बहुत सारी तारीफें कर ली मैंने कोरियन फैशन की. पाकिस्तानी फैशन भी बहुत बेस्ट है. आई लव पाकिस्तानी ड्रेसेस. अगर कोई मुझे पाकिस्तानी ड्रेसेस PR पैकेज में भेजे तो आई विल बी सो हैप्पी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज आई एम लिविंग इन कोरिया. एनीवेज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, खुदा हाफिज़.